भिवंडी शांतिनगर न्यू आजाद नगर में वार्ड नंबर 12 में जहां कल शाम देर रात कांग्रेस पार्टी की ओर से जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम बशीर पठान उर्फ पप्पू भाई द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें काफी कांग्रेस नगर सेवक व कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित नागरिकों की भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो भिवंडी के न्यू आजाद नगर से वार्ड नंबर 12 से एक नए कैंडिडेट अनाउंस किया गया, जिसका नाम बशीर पठान है, जिसको वार्ड नंबर 12 से कैंडिडेट के रूप में चुना गया। वहीं देखा जाए तो शांतिनगर इलाके में चारों नगर सेवक कांग्रेस के होने के बावजूद अभी तक शांतिनगर का हालात काफी खस्ता है, जैसे देखा जाएगा, लेकिन वहां के रोड सही नहीं है, ना ही पानी की सुविधा है और ना ही कब्रिस्तान की सुविधा, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 12 के नए उम्मीदवार के रूप में बशीर पठान को चुना गया, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्या को देखते हुए भिवंडी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रशीद ताहिर द्वारा वार्ड नंबर 12 के नए उम्मीदवार के रूप में बशीर पठान को चुना गया है। और वहीं पर एक घोषणा भी जारी की गई है, अब की बार नेता नहीं बेटा चुनो। आज मैं ये जो प्रोग्राम कांग्रेस का लगाया हूँ अपने एरिया में, ये इसलिए लगाया हूँ ताकि अध्यक्ष जी आप मेरे एरिया की हालत आकर देखें। ये जो हलीम 20 साल से इस एरिया के लोगों ने चुन के दिया इसको, कांग्रेस पार्टी को, ये आदमी सिर्फ हमारे वार्ड को बेचने का, दलाली करने का काम सिर्फ और सिर्फ इसने, ये दलाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी आज हर जगह कहती है कि कांग्रेस में 18 नगर सेवकों की इसने दलाली किया, इसने सिर्फ कांग्रेस के साथ दलाली नहीं किया, हमारे एरिया को बेचने का भी, हमारे एरिया की भी दलाली खाया इसने आज 20 सालों में इसने। रशीद भाई आप चेक कर लीजिए, एक रोड आज मैं 10 साल के बाद अपने एरिया में इलेक्शन लड़ने का इच्छुक हुआ, जो वजह ये रोड गटर नाली इसने कुछ भी नहीं बनाया, सबका पैसा लेके ये खा गया, ये सिर्फ दलाली किया कॉरपोरेशन में बैठ के, जो आज मेरा मोहल्ला ये हालात में है। बाजू में यही साजिद भाई है और भी है, कांग्रेस के बहुत से नगर सेवक है, तला भाई है, पापा भाई है, परवेश भाई है, ये लोगों के एरिया में काम क्यों होता है, इनके लिए क्या अलग से महापौर और अलग से कांग्रेस पार्टी फंड देती है, फंड सबको आता था, सबने कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन इसने जो भी फंड हमारे एरिया का मिला ये जगह जगह प्रॉपर्टी बनाया और सारा पैसा खा के कांग्रेस को भी बेचा और मेरे एरिया को भी बेचा, ये दलाल है रशीद भाई। आप इसके बजाय मुझसे मौका दो, मैं मेरा एरिया सुधार के दिखाऊंगा, हालात बदल के दिखाऊंगा, बस यही चीज मुझे रखना था। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर खान को काफी टाइम से जानता हूँ और वो एक अच्छा सोशल वर्क करता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों की समस्याएं वो बिना नगर सेवक हुए कर रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसका काम करने का जो तरीका है, जो लोगों के प्रति हमदर्दी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वार्ड की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि नेता मत चुनो, बेटा चुनो। आपको एक बेटा मिला है और उसको आने वाले समय में वोट देंगे, अगर जिताएंगे तो इंशाल्लाह ये वार्ड का भी विकास होगा और वार्ड का विकास होगा तो शहर का भी विकास होगा। जो हालात है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आसिफ भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रोड रास्ते हैं इसको देखने के बाद मैं आपको बयान करूं और आपको पता चले कि यहाँ का जो नगर सेवक हो कितना बड़ा नालायक है, जो 20 साल से इस वार्ड की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया है। और आने वाले समय में कांग्रेस जैसा अभी लोगों ने बोला कि कांग्रेस कैसे चुन के आएगी, कांग्रेस चुन के इसलिए आएगी कि कांग्रेस पार्टी खराब नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग थे वो दलाल थे और वो काम यहाँ भिवंडी शहर की कांग्रेस पार्टी सफाया करने का काम शुरू करी है। जो दलाल है उनको हम लोग साफ करेंगे और आने वाले टाइम में एक अच्छी कांग्रेस भिवंडी शहर में, कारगिल की जंग जीत के आए हैं भिवंडी शहर में, हम आए हैं भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी के एक अच्छा काम करने वालों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दलाल
हमारे जहां मैं रहता हूं, जिस जगह मैं रहता हूं, वहां पे एक महाचोर है जो शहर को बेचने का काम कर रहा है। उस चोर का नाम बताएंगे? नाम जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो उस तक मैसेज पहुँच जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन चोर है, उसको बेहतर समझ में आ रहा है और उसने शहर को बेचा है। और अब भिवंडी शहर की जनता जान चुकी है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। वो चाहे वो जितना प्लेटफॉर्म चेंज कर ले, भिवंडी शहर उसको सबक सिखा के रहे। अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, काम करता है और इसके बारे में हमको पूरा यकीन है कि ये पार्टी को बेचेगा नहीं। नहीं, यहाँ तो आपके पहले ही नगर सेवक कांग्रेस से थे, हरिमन सारी हटा दिया हमने, पार्टी से हटा दिया, बिल्कुल पार्टी से भी घट नेता पद से भी हमने ऊपर दे दिया है और इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में उसका फैसला आ गया। तो मतलब अब तक औपचारिकता नहीं हुई वहाँ पर? हो गई है सब। सर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो शहर में चर्चा है घोड़े बाजारी की, सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए उसमें उसके बारे में तफसील से नहीं दे सकता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लड़ना चाहिए वैसे लड़ा नहीं गया। कॉर्पोरेटर को एतमाद में लेना चाहिए, अगर आपने पार्टी की तरफ से बिठाया है तो हमारे कॉर्पोरेटर जो स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर हैं उनको फ़ोन करके बुलाना चाहिए, मुझको एक कॉपी देना चाहिए कि इल्ली आप मीटिंग बुलाओ, ऐसा कुछ भी अमल नहीं हुआ और सोशल मीडिया पे चला के ऐसे इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। सर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बावजूद यहाँ पर सेना का ट्रेनिंग कमेटी का पद बैठ गया, सर क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का आदेश आने के बाद जो है कुछ अमल हमको करना रहता है, अगर हम उसके लड़ने में लड़ने ही नहीं जाएंगे हम लोग और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का वो लेके उन्होंने हलीम खान हलीम अंसारी को देने की कोशिश की थी या दिया कि नहीं दिया मुझको पता नहीं है, लेकिन हलीम अंसारी जो लीडर था वहाँ गठ नेता था उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सभी नगर सेवकों को बुला के उनको जो है व्हिप देता। नगर सेवक हमको बता रहे कि नहीं, वार्ड की जो हालात है उसको देख के यहाँ की स्थानीय जनता आप पे वापस से भरोसा क्यों करे? बिल्कुल करेगी, देखो जनता जो है ना, अगर लीडर सही है, लीडर ने यहाँ काम किया इससे पहले भी और इंशाल्लाह ताला हम जो वादा करेंगे उसमें कोई हम जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे और लोगों का काम होगा। वैसे फिलहाल ये वार्ड की हालत जो है काफी खस्ता है और आज भी जो है कांग्रेस के कई नगर सेवक जो है कॉर्पोरेशन में मौजूद है, तो इलेक्शन तक के वादा क्यों? इलेक्शन के पहले भी तो कुछ काम हो सकते हैं इस वार्ड में। होंगे ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ इलेक्शन के बाद होगा, पहले भी होगा बाद में भी होगा, तो चलता रहता है प्रोसेस। म्युनिसिपलिटी का अमल जो है ये बंद नहीं होने वाला है, चलता रहेगा, पहले भी काम होगा बाद में भी होगा। हमने क्योंकि यहाँ की रोड की हालत काफी खस्ता है तो इसके बारे में क्या यहाँ के लोगों को आप आश्वासन देंगे? पूरा शहर जान रहा है कि लोगों ने शहर को वार्ड को इस शहर की इज्जत को बेचा है और जब तक ये बेचने का काम जारी रहेगा आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ के नागरिकों को इंसाफ नहीं मिलेगा।